क्या आपका भी मन करता है कि इस शहर की भीड़ भाड़ से दूर कहीं पहाड़ों की ऊंचाइयों पे जाके बैठ जाऊं और उस शांति का आनंद लूं? देहरादून और मसूरी के पास आपने काफ़ी पहाड़ देखे होंगे, पर क्या आपने कभी बेनॉग हिल्स का नाम सुना है? अगर नहीं सुना तो आज का हमारा सफ़र उसी के ऊपर होने वाला है। तो आज की वीडियो पूरी देखना और इस सफ़र को इंजॉय करना। हे गाइज एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो एक फ्रेश नए व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। सो आप मेरे पीछे देख सकते हो वेदर, क्या मस्त वेदर हो रहा है। एंड इस टाइम मैं हूँ किमाड़ी में, किमाड़ी से बहुत ऊपर आ चुका हूँ और ये रास्ता जाता है हाथी पाँव को। तो अभी हम जा रहे हैं एक ऐसी जगह ट्रैकिंग करने एंड मैं आपको बताऊँगा वो कहाँ पर है और बहुत अच्छी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो। सो आज के व्लॉग में मज़ा आ जाएगा। अभी दिन का टाइम हो रहा है, 1-2 बज रहे होंगे और वेदर चेक करो एक बार यहाँ पे, मतलब पूरे बादल ही बादल आ चुके हैं यहाँ पे। और ये देखो जरा एक बार, और इतना ठंडा फील हो रहा है इस टाइम यहाँ पे कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। एंड मेरे साथ आ जा रखा है सूरज, तो चलते हैं अभी ऊपर एंड आपको मिलते हैं वहीं पे। सो यहाँ पे थोड़ा से शॉट्स लिए हैं, वो आप देख लो एंड फिर चलते हैं। सो ये जॉर्ज एवरेस्ट का बोर्ड आएगा एंड हमें जाना है क्लाउड एंड की तरफ एकदम सीधा। गाइस जब हम थोड़ा सा आगे आएंगे वहाँ से तो ये बोर्ड आता है क्लाउड एंड के लिए और भद्राज के लिए ऊपर जाते हैं और एक नीचे जा रहा है, तो हमें ऊपर ही जाना है भद्राज वाले रास्ते पे। सो जब आप आओगे वहाँ से आगे आगे एकदम सीधा तो आपको ये दिखेगा उत्तराखंड टूरिज्म का, जहाँ भी लिखा है ज्वाला मंदिर। ठीक है, ये भद्राज का ही रास्ता है एंड यहाँ पे देख लो ये दिवाकर अग्रवाल प्राइवेट प्रॉपर्टी, इसके बगल में ये लगा हुआ है पोल सा और यही अंदर। सो ये आता है वन विभाग के अंदर और ये एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। सो यहाँ पे गुलदार वगैरह मतलब सारे जानवर कुछ भी हो सकते हैं, तो यहाँ पे अगर आते हो तो अपने रिस्क पे आना। और ये ट्रैक है, यहाँ से स्टार्ट है, अभी आगे जाके कटेगी टिकट और अभी हमें जाना है वो उस पहाड़ी पर, वो सामने वहाँ पे एक मंदिर है, ये पूरा ट्रैक है। तो अभी ये ट्रैक करने वाले हैं, सो काफ़ी मज़ा भी आने वाला है। बट यहाँ पे ना पार्किंग फैसिलिटी नहीं है, थोड़ा डर भी लग रहा है, बाइक बाहर खड़ी कर दी है, तो लेट्स सी कैसा रहता है आज का सफ़र। सो फाइनली हमें मिल चुका है, यहाँ से इसका रास्ता स्टार्ट है काफ़ी नीचे जंगल में आने के बाद। तो पहले क्या लग रहा था कि गलत आ गया है ना, सही आने की। सो जब आप आओगे यहाँ पे तो आपको पहले फॉर्म भी भरना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हो आप कि यहाँ पे आना है आपको, यहाँ पे आपको टिकट कटवानी पड़ेगी। हाँ जी, सो देख सकते हो ये एंट्री परमिट है और इसके चार्जेस ये है 150 इंडियंस के लिए और अगर बाहर से आ रहे हैं तो उसके लिए 600 है। और यहाँ से स्टार्ट है ट्रैक। सर कितने किलोमीटर का है ये? यहाँ से 2.5 किलोमीटर। 2.5। और अभी हम यहाँ से आए थे तो हमें पता है वैसे अलाउड नहीं है यहाँ बाइक्स वगैरह, बट फिर भी अभी सूरज लेने गया है बाइक क्योंकि बाहर थोड़ा सा हमें लग रहा था कि अनसेफ ना हो। कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे जानवर वगैरह भी हैं बाइक लेके एंड फिर यहाँ पे बाइक खड़ी करेंगे और फिर यहाँ से स्टार्ट करेंगे। सो अभी हो चुका है हमारा ट्रैक स्टार्ट और ये देख सकते हो बहुत सही ट्रैक है, मतलब काफ़ी स्पेस भी है तो इजीली कर सकता है कोई भी। बाकी 5 किलोमीटर मेरे को लगा था बट इतना है नहीं, तो ऊपर मंदिर है तो वहाँ चलते हैं और मज़ा आने वाला है काफ़ी ज़्यादा। एंड अभी मैं इंस्टाग्राम पे लाइव था, जिन लोगों ने देखा लाइव तो काफ़ी मस्ती भी आई, बातचीत हुई, तो आप भी फॉलो कर लो
बातचीत करते रहेंगे वहाँ पे। सो ये देख सकते हो आप, ये कुछ मस्त सा लग रहा है एंड हम इसे तोड़ेंगे नहीं। शायद फ्रूट सा भी लग रहा है कुछ, बट इसे ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो काफ़ी जानवरों की आवाज़ भी आ रही है यहाँ पे और कुछ नए नए तरीके के छोटे छोटे पेड़ पौधे दिख रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा लगता है ऐसी जगह आके और नेचर को एक्सप्लोर करके। मेरे को पता नहीं था कि ऐसी जगह भी हमारे देहरादून के पास ट्रैकिंग के लिए। देखो इसका चार्जेस तो है क्योंकि ये मेंटेन करी हुई है वन विभाग ने, इस वजह से वन विभाग ने। और आओगे ना यहाँ तो फैमिली के साथ भी आ सकते हो। सो अब जैसे कि देहरादून में शिखर फॉल वाली ट्रैकिंग की प्लेस है वो नहीं रही, पहले बहुत कम लोग जाते थे, अब इतने लोग जाते हैं। तो आप इस जगह पे आ सकते हो और आओगे ना तो यहाँ गंदगी मत करना, उन्होंने नीचे भी बोला कि कुछ खाने का है तो यहीं रख जाओ। तो हमने बोला कि हम अपना वापस लेंगे, साथ साथ और मिलेगा तो और भी लेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। तो लेट्स सी कैसा रहता है ऊपर। बाकी बहुत सुंदर नेचर है, इसको प्रिजर्व करके रखो। गुलदान नहीं है वो, था मोर था फीमेल। तो ये क्या है यहाँ, अभी वो भयंकर दो बार हो गई है। चीड़चूल थी क्या ये, अभी भयंकर एक तो कैमरे में भी आई होगी एक के बाद। अभी हम यहाँ से चल रहे थे और ये साइड में जो सूं करके एकदम भयंकर दो पक्षी उड़े, मैं तो डर गया भाई, मुझे लगा किसी ने भयंकर छलांग लगा दी। वो अभी हम इतना चल चुके बट मंदिर अभी भी वो वहाँ पे है, वो देखो। तो अरे भाई ने फुल जूम मार दिया और इतनी दूर मंदिर है, और भैया ने बोला 2 किलोमीटर का ट्रैक है, तो होगा 2 किलोमीटर, बट ये पहाड़ हो गए हैं तो हालत ख़राब होनी है, बट मज़ा आना है। सो अभी देखो वो जो वहाँ पे आप माउंटेन देख रहे हो वो है जॉर्ज एवरेस्ट, और देख सकते हो आप मतलब कितना सुंदर लग रहा है यहाँ से पूरा व्यू। सो वी आर एट द लोकेशन और मंदिर चेक करो, बहुत सुंदर मंदिर लग रहा है और खुला है बट अंदर से बंद है। सो ये देखो, जरा बादल देखो यार कैसे आ रहे हैं भाई, मतलब और यहाँ पे देखो, देख रहे हो मतलब क्या ही बोले, इतनी सुंदर जगह वो भी कचरा कर रखा है यार, शिट। यहाँ से तो सामान कोई ले जा भी नहीं सकता, गड्ढा है ना, ये बंद होना चाहिए। अगर आप यहाँ देखोगे ना तो ये मंदिर है और यहीं पे ये बन रखा है, तो मतलब मुझे समझ नहीं आता कि ये किसने बनाया होगा, और बनाया तो इसमें ये सारा सामान कौन डाल रहा है, बॉटल्स दिए वगैरह। सो अब रिक्वेस्ट है यार, मेरा ब्लॉग देख के मुझे पता है कोई ना कोई तो आएगा ही आएगा, एंड अगर आ रहे हो तो प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान रखना कि ये चीज़ें ना मतलब आगे जाके इतनी सुंदर रहेगी नहीं, फिर और कोई बात नहीं है। सो यहाँ पे मंदिर है और ये देख सकते हैं यहाँ पे पूरा मतलब खुला ग्राउंड सा है, ग्राउंड क्या मतलब पहाड़ी है ये, बट यहाँ से जो व्यू आ रहा है ना यार, अभी यहाँ पे टाइम लैप्स लेंगे इससे पहले बादल चले जाए। अभी बैठे हैं यहाँ पे आराम से, अब मौसम ऐसे बदल रहा है ना, अभी धूप थी आपने देखा होगा टाइम लैप्स में, और अब एकदम बादल आने वाले हैं और ठंडी हवा कितनी चल रही,
ऐसे लग रहा कि ठंड आ चुकी है, मतलब ऐसा लग रहा कि हम इतना ट्रैक करके आए और अब ठंड में आ चुके हैं। और ये देखो जरा नीचे यार सीन, मतलब रियलिटी में देखोगे, हमें तो आदत हो गई देखने की, बट ये जो ऐसे आते हैं ना एकदम से भाई बहुत सुंदर लगते हैं। और इसका टाइम लैप्स देख ही लिया होगा आप लोगों ने, मतलब मैं आपको बयान नहीं कर सकता हूँ। वहाँ पे जॉर्ज एवरेस्ट है वो दिख नहीं रहा है, और कैमरा ना यार कैमरा आपको इतना नहीं दिखा सकता जितना हमारी आंखें जस्टिफाई कर सकती है। काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है नेचर से, और मैं यही कहना चाहूँगा अगर आप आते हो तो प्लीज़ गंदगी मत करना। अभी हम ये खा रहे हैं और हम साथ साथ बैग में डाले जा रहे हैं, तो इसमें हमें कोई कष्ट नहीं हो रहा या फिर हमारा बैग भारी नहीं होगा। सो इतना मस्त लग रहा है ना यार यहाँ पे इस टाइम, और लाइट थोड़ी कम हो चुकी है। और अभी हम जा रहे हैं फोटो खिंचाने थोड़ा सा आगे, एंड घर पे मम्मी ने चाय भी बना दी थी, केटल में भी डाल दी थी बट लाना भूल गए देख रहे हो, और अगर यहाँ पे चाय होती तो स्वाद आ जाता। मैं सोच रहा था कि यहाँ पे अपना वो ले आए खाने पीने बनाने वाला, बट मुझे लगा लाउड हो ना हो। सो अभी मैं दिखाता हूँ आपको कि कहाँ पे बैठा हूँ मैं, और क्या मस्त व्यू आ रहा है यहाँ से। ये देख सकते हो मेरे नीचे ना ये पूरी खाई है, और ये हमें ना पॉइंट मिला है, तो पॉइंट का रास्ता तो नहीं बताऊँगा, मतलब उसके पास ही है। और ये नीचे देख रहे हो बादल ही बादल, और ये पूरी खाई है, और नीचे पेड़ है, तो सोचो हम कितनी ऊँचाइयों पर है। तो इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करता हूँ, एंड आई होप आपको पसंद आया होगा ब्लॉग, एंड अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर देना। और अब यहाँ फ़ोटो वगैरह खिंचाते हैं और फिर निकलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।